सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 3 नवंबर के करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, अगला वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, मतलब कौन हमारे अगले वायुसेना प्रमुख चीफ एयर चीफ मार्शल बन गए हैं। तो आंसर होगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किनकी जगह बने, तो BS धनोआ की जगह अभी सेप्टेम्बर में ही बने। और देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि एयरफोर्स डे हमने कब मनाया, कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को। फिर है, भारतीय सेना ने चांग थांग अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया था, तो पूर्वी लद्दाख में किया था। फिर है, द कजिन्स ठाकरे उद्धव राज एंड द शेडो ऑफ द शेड्स के लेखक कौन है, तो आंसर होगा धवल कुलकर्णी। इस बुक में क्या बताया गया है, तो शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। फिर है, फीफा रैंकिंग आई है, उसमें भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या रही है, अभी अपडेटेड है, कल ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया। तो भारतीय टीम की रैंक 104 से 106 हो गई है, टॉप पे तो बेल्जियम ही चल रही है। फिर है, कहाँ पे भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा एक और कारण से भी न्यूज़ में था, क्योंकि भारत में पहली बार UNCCD के COP14 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14वां संस्करण हुआ था ग्रेटर नोएडा में, याद रखना। ये भारत का पहला पर्यावरण स्कूल कहाँ पे बनेगा, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट स्कूल भारत का पहला है, तो इम्पॉर्टेंट होगा कहाँ पे, कर्नाटक में बनेगा। चलो एक प्रश्न बता दो आप मुझे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, सबको पता होगा, थीम बताओ मुझे, बीट एयर पोल्यूशन। फिर है, किस पेमेंट बैंक ने भरोसा बचत खाता लॉन्च किया है, तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है, आप इसको याद रखना। और ये जो भरोसा बचत खाता है, ये उन लोगों के लिए खास तौर पे जो अभी तक बैंकों से नहीं जुड़े हैं, तो उनको जोड़ा जाएगा इसके थ्रू। फिर है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, उनका नाम क्या है, ताकि ही को नाकाओ। और अगर ADB का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो मनीला फिलीपींस में है। स्किल इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया, तो IBM के साथ। और IBM ये IT कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और याद रखना इसी को बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस IT कंपनी का निकनेम बिग ब्लू है, तो IBM। फिर है, गूगल ने भारत में कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और इस प्रयोगशाला, इस लैब का नाम क्या रखा जाएगा, गूगल इंडिया रिसर्च। और हमारे देश के जो प्रसिद्ध कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनको इसका प्रमुख बनाया जाएगा, डॉक्टर मनीष गुप्ता को। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की पोजीशन क्या रही, तो भारत की पोजीशन रही है 141, और इसमें टॉप पे रहा है, यानी कि पीस इंडेक्स यानी कि शांतिपूर्ण देशों की बात हो रही है, तो सब शांति कहाँ पर है, आइसलैंड में, यानी कि आइसलैंड इसमें टॉप पर है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की, आइस मतलब ठंडाई, तो ठंडा ठंडा कूल कूल मतलब शांति मिलती है ठंडाई से। अच्छा देखो, ये तो 141 रैंक की बात हो गई, इसमें एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 140, और भारत दो इंडेक्सेस में 140 नंबर पे था। कौन कौन से इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत 140 नंबर पे और टॉप पे फिनलैंड। उसी तरह से भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी 140 नंबर पे था, और इसमें टॉप पे था नॉर्वे। चलिए आपके लिए एक प्रश्न बनता है, आज का पहला प्रश्न, आप मुझे बताओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने कब मनाया। अब 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखो कि हमने कब मनाया। देखो, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके नीचे जाके लिखो, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता हूँ ना, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि आता है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम लिख देंगे। नहीं, अब भी आप सोचो आपको आता है या नहीं आता, अब भी वक्त है आपके पास। अगर आपको आता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आप लिखोगे तो, आपको नहीं आता होगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार डाउट है, नहीं आता है। तो यहाँ नहीं आता है और आपको डाउट होगा और आपको पता लगेगा नहीं आता है, और उसके बाद जब आप उसका आंसर देखोगे ना, तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ये तरीका होता है। अगला प्रश्न है, किस माउंटेन पर दुनिया के सबसे ऊंचे और पूरी तरह से स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना की गई थी, तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर। फिर है, ग्लोबल जेंडर इक्विलिटी में भारत का स्थान क्या रहा, 95th नंबर पे रहा है भारत, और इसमें टॉप पे रहा है डेनमार्क। फिर है, किसने टेक बी कार्यक्रम शुरू किया है, तो HCL ने, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, HCL का UP नोएडा में। अच्छा, HCL से कुछ याद आया होगा, अभी भारत में दानकर्ताओं की सूची आई थी, दानकर्ताओं को अंग्रेजी में बोलेंगे फिलेंट्रोफिस्ट,
तो इसमें टॉप पे थे एचसीएल के अध्यक्ष कौन, शिव नाडर, सेकंड पे विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी, और तीसरे नंबर पे थे रिलायंस के मालिक कौन, मुकेश अंबानी। फिर है किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की स्थापना की थी, तो आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, और इसके मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। फिर है किस भारतीय मूल की छात्रा ने दुबई में अमीरात रिसाइकिलिंग अवार्ड जीता, तो आंसर होगा निया टोनी ने। फिर होगा IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, तो इसका नाम अभी बदल के क्या रखा जाएगा, इसने घोषणा की थी इसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स रखा जाएगा। आपको याद होगा अभी अक्टूबर में ही इसने पीटी उषा को वेटरन पिन से सम्मानित किया था, पीटी उषा पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। चलो यही बता दो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मोनाको में है। CICA शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो दुशानबे में। चलो दुशानबे किसकी कैपिटल है ये बताओ। CICA की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, तो दुशानबे किसकी कैपिटल होती है बताया आपने, ताजिकिस्तान की होती है। फिर है विश्व रक्तदाता दिवस ब्लड डोनर डे, हमने 14 जून को मनाया। कारगिल दिवस ये हमने कब मनाया, 26 जुलाई को मनाया था, और कारगिल के ऊपर मैंने आपको बताया एक बुक भी लिखी गई है, कारगिल अनटोल्ड स्टोरी इस तरह से बुक का नाम है, और किसने लिखा है, रचना बिष्ट ने उसको लिखा है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो अब कल के करंट अफेयर्स का रिविज़न करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, ये बुक को लिखा किसने है, अभी रिलीज हुई है ये, अरूप ज्योति सेकिया ने। फिर है विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव नंदन सहाय को। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम क्या स्थान रहा, तो ये तो शायद पीछे भी हमने पढ़ा था, 106 नंबर पे आ गई है इंडियन फुटबॉल टीम, टॉप पे बेल्जियम है। भारत किस देश से प्रेरित होकर के मानव दूध बैंक स्थापित करेगा, तो ब्राज़ील से प्रेरित होकर के, और इसमें सरकार ने क्या टारगेट रखा है कि 2025 तक 70% शिशुओं को माँ का दूध अवेलेबल कराया जाएगा। फिर है 35वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये अभी कहाँ पे हुआ शुरू, तो ये शुरू हुआ बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, और इसकी थीम भी थी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आसियान का, जकार्ता इंडोनेशिया में, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर अगला प्रश्न है ओलंपिक 2020 के लिए एशियाई मुक्केबाजों को प्रेरित करने के लिए 10 सदस्यीय खिलाड़ी राजदूत टीम में शामिल हुई है कौन, एमसी मेरी कॉम। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हेडक्वार्टर बताओ मुझे इसका कहाँ पर है, लाउसेन स्विट्जरलैंड में। फिर एक किसे 2018 के 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाए गया, तो लीलाधर जगुड़ी को, और इनके किस कविता संग्रह के लिए, तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए। फिर एक किस देश में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया गया, कल मैंने आपको उसको डिटेल में समझाया था, तो आंसर होगा सिंगापुर में, सिंगापुर स्थित एयर कार्बन प्राइवेट कंपनी ने। किस भारतीय एयरलाइन ने अपने विमान पर एक ओमकार का चिन्ह अंकित करवाया है, तो एयर इंडिया ने, अभी गुरु नानक जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये करा गया है। फिर है कहाँ आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो केरल में, केरल के कोच्चि में। फिर है कितने वर्ष से अधिक आयु वालों को पोस्टल बैलेट यानी कि डाक मत पत्र के माध्यम से घर बैठे वो मतदान कर सकेंगे, कितने वर्ष से अधिक आयु वाले, तो आंसर होगा 80। इम्पीरियल कॉलेज लंदन द्वारा यूथ आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो विद्या बालन को। बढ़ते आगे। तो अब स्टैटिक क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला स्टैटिक प्रश्न है कि किस शहर को भारत का पेरिस कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, पिंक सिटी जिसे आप कहते हैं। अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न तो यहाँ से करंट अफेयर्स का ये बनता है कि अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया है। फिर है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से ये संबंधित है। फिर है केंद्रीय जनजातीय मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र, अच्छा देखिए अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे और ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, तो ये शीट मैं आपको पहले भी 2 बार दे चुका हूँ, तो अब तो ये आपको याद हो जाने चाहिए, अब आंसर देते जाओ फटाफट फटाफट। तो यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स,
तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी आपसे पूछी है खूंटी झारखंड। मंत्री का नाम भी बताओ मुझे, कौन है हमारे जनजातीय मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। फिर एक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, इनका निर्वाचन क्षेत्र बताओ हरिद्वार उत्तराखंड, यानी कि HRD मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मंत्री कौन है इसके, रमेश पोखरियाल जी। फिर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनका निर्वाचन क्षेत्र बताओ चंदौली यूपी है, और मंत्री कौन है, महेंद्र नाथ पांडे है। वैसे देखो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनका मैंने ट्रिकी वीडियो बनाया था शुरुआत में जब ये मंत्री बने थे, तो अगर वो वीडियो भी आपने देखा होगा तो फटाक से आप आंसर कर पाओगे। फिर क्या है, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, बेगूसराय बिहार है, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, और मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, और इसके हेड कौन है, नतालिया कनेम। यूनेस्को का हेडक्वार्टर सबको पता है पेरिस फ्रांस में है, इसके हेड बता दो बस ऑद्रे उजाले हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, भैया तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, अगर सिर्फ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पूछेंगे तो पेरिस आंसर करना, पेरिस फ्रांस में। उसी तरह से IREN, इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपके अबू धाबी में है, कंफ्यूज मत होना, इनको याद रखना। फिर है तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। तीस्ता विवाद तो आपको पता ही होगा, तीस्ता जल विवाद, बताओ किन देशों के बीच में चल रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बढ़ते हैं आगे, तो अब इम्पॉर्टेंट डेज की हम लोग बात करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डीफ डे, डीफ कहते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, ये हमने मनाया 29 सितंबर को, और 29 सितंबर को ही वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया था। अच्छा देखो, ये तो हार्ट डे है, और एक और होता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। स्ट्रोक मतलब बीमारी से, दिमाग से संबंधित है, दिमाग में लकवा मार जाता है, ब्रेन अटैक होता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रोक। तो ये अभी हमने मनाया था 29 अक्टूबर को। और एक मेंटल हेल्थ डे भी होता है जो हमने 10 अक्टूबर को मनाया था। अच्छा, डीफ से आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो 2019 में मिस डीफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब जीता है किसने, विदिशा बालिया ने, यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने ये खिताब जीता, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। और अभी आपको याद हो तो पहली नेत्रहीन IAS कौन बनी है, महिला IAS कौन बनी है, तो प्रांजल पाटिल बनी है, महाराष्ट्र की है ये। फिर है विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये हमने मनाया 26 सितंबर को, याद रखना। एक वर्ल्ड ओशियन डे अलग होता है, विश्व महासागर दिवस, वो हमने 8 जून को मनाया था। फिर वे विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे, जो कि हमने 18 सितंबर को मनाया था, और 18 सितंबर को हमने विश्व जल निगरानी दिवस भी मनाया था, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। बांस को भारत में हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं, घास की श्रेणी में आता है ये। नेशनल हिंदी डे सबको पता है 14 सितंबर, और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया था। बताओ भारत में किस राज्य की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, सब बता देंगे केरल। कितनी है अगर पूछूं तो वो आपको पता होना चाहिए, देखो इन चीज़ों को जो मैक्सिमम और मिनिमम होती है उनके डेटा आपको पता होने चाहिए। तो लगभग इसकी 93.91 समथिंग है ना, एक्यूरेट शायद मैं नहीं बता पा रहा हूँ, 93 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्सीमेट मानना चाहो तो 94%। और मिनिमम में बात करेंगे तो बिहार की है 63 पॉइंट समथिंग है, तो बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट। फिर है राष्ट्रीय हथकरघा नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को अपन ने मनाया। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया, और 12 अगस्त को ही विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक, फादर ऑफ इसरो विक्रम साराभाई जी की 100वीं वर्षगांठ भी हमने मनाई, और 12 अगस्त को ही इंटरनेशनल यूथ डे भी हमने मनाया, और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को हमने मनाया स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। अच्छा, हाथी किन राज्यों का स्टेट एनिमल है, तो काकाजी करके याद करा, केरल, कर्नाटक और झारखंड, और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और वहीं पे आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है उस। फिर है विश्व बाघ यानी कि टाइगर डे, 29 जुलाई को मनाया, और शेर दिवस पूछेंगे लायन डे तो 10 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे, 11 जुलाई को। फिर नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया, और GST दिवस भी हम 1 जुलाई को मनाते हैं क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में ये लागू हुआ था। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा सेशन। अगर वाकई पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना।
मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप मुझे ज़रूर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा और आगे भी हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए, जब अभी तो मैं आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ, टेस्ट आप लगाइएगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख के उन्हें याद जरूर कर लेना। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।